दोस्तों डीएनसी सर्विसेज एक्टिवेट करने के बाद भी कैसा हाल है हमारा इंडिया में? हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर. हेलो. हेलो, गुड आफ्टरनून सर. यस, आपके लिए एक स्पेशल ऑफर हम क्रेडिट कार्ड का लेके आए हैं. आप इंटरेस्टेड हैं सर? जी नहीं, थैंक यू. सर आप एक बार सुन लीजिए, बहुत स्पेशल ऑफर है आपके लिए. जी नहीं, थैंक यू. नहीं, इंटरेस्ट नहीं. ओके सर, थैंक यू. या फिर हाय सर, मैं प्रॉपर्टी डीलर से बोल रहा हूँ. जी सर, आपके ये नाम पर एक नया प्रॉपर्टी आया है, आप इंटरेस्टेड हो? जी नहीं, थैंक यू, लेकिन मेरा नंबर तो डीएनसी में है. हेलो. कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप एलिजिबल हो हमारे लो इंटरेस्ट लोन के लिए. एलिजिबिलिटी, लेकिन मैंने तो कहीं अप्लाई नहीं किया मैम. एक्चुअली सर, आपका डेटाबेस में नाम आया है. हम आपको 1.5% के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं. मैम आपको पता है ये नंबर डीएनसी में है? और मैसेजेस तो पूछो ही मत. डेली कम से कम 5 से 6 एड भी एड. 5 से 6 इनपे हमने कभी रजिस्टर किया, लेकिन एक के बाद एक हर रोज मैसेज ही मैसेज. इसके बाद मैंने सोचा कि चेक कर ले हमारी डीएनसी एक्चुअली एक्टिवेट है या नहीं हमारे नंबर पे. ट्राई कहती है डू नॉट सेंड एनी कमर्शियल कम्युनिकेशन, डू नॉट कॉल एसएमएस, रजिस्टर डीएनडी, डू नॉट डिस्टर्ब नंबर. लेकिन उसके बाद भी एनसीसीपी ट्राई की वेबसाइट पे अगर हम जाते हैं, जहां मैं अपना नंबर डालता हूं, यहां पर हम चेक कर सकते हैं कि हमारी डीएनडी या डीएनसी सर्विसेज एक्टिवेट है या नहीं. नंबर डाल के देखिए, स्टेटस इज रजिस्टर्ड एक्टिवेट, नो कॉल नो एसएमएस फ्रॉम 2018, नो कॉल नो एसएमएस प्रेफरेंस के बाद भी. और अगर मैं मेरा दूसरा नंबर भी चेक करूं, चेक अगेन, रजिस्टर्ड. खैर, इसकी सर्विसेज एक्टिवेट तो है, नो कॉल नो एसएमएस. दो नंबर हमने पोर्टेबिलिटी की थी, उसके बाद रिलायंस ने तो सर्विस बंद कर दी थी, फिर एयरटेल पे एक्टिवेट किया. या मेरा प्राइमरी नंबर अगर इसे मैं सर्च करूं, ये एक नंबर है जिसपे सर्विस एक्टिवेट नहीं है. तो अगर हम सर्च करते हैं ट्राई के डेटाबेस में, तो आप देख सकते हैं यहाँ लिख के आया नॉट रजिस्टर्ड. तो खैर, इस पे अगर कॉल आए तो अलग बात हो जाती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद भी कॉल्स पे कॉल. तो मैंने सोचा एक्चुअली देख लेते हैं कि हम लोग अगर कंप्लेंट करते हैं तो उस कंप्लेंट नंबर का स्टेटस क्या होता है. सो ये मैंने कंप्लेंट की थी रिगार्डिंग 1 SMS जो कि रिसेंटली की थी. तो यहाँ पर तो दिख रहा है कि 3 दिन के बाद ही जो है डिटेल्स यहाँ आएगी. खैर कोई नहीं, फिर एक बार ट्राई करता हूँ दूसरा एक रजिस्ट्रेशन कंप्लेंट नंबर से. सच, ये रहा रजिस्ट्रेशन कंप्लेंट नंबर डेटेड, जो कि एसएमएस आया था
complaint status of preference. Above information is provided, data submitted to access provider to TRAI. इसका मतलब तो मुझे भी नहीं समझ में आया, अगर आपको समझ में आया तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट में. एक्सेस प्रोवाइडर्स की गाइडलाइन ये है, या एज अ कस्टमर हमारे लिए गाइडलाइंस है. चलिए देखते हैं इसे एक्टिवेट कैसे करते हैं. हाउ टू रजिस्टर प्रेफरेंस. राइट साइड के कॉर्नर में आप देख सकते हैं 1909 रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर है, या तो आप डायल कर सकते हैं या तो ये एसएमएस भेज सकते हैं स्टार्ट 0 टू 1909. ये सारी कैटेगरीज है 1 से लेके 7 तक, आप कोई भी एक्टिवेट कर सकते हैं स्टार्ट के बाद उस कैटेगरी का नंबर देके, या फिर आप आईवीआर पे कॉल करके 1909 पे देख सकते हैं. फुल्ली ब्लॉक कॉल एसएमएस के लिए हमें एकदम सिंपल एसएमएस भेजना होता है स्टार्ट 0 1909, जो कि मैं भेज चुका हूं. इसी के लिए मुझे वहां दिखाई देती है कि मेरी सर्विसेज एक्टिवेट है, नो कॉल नो एसएमएस. लेकिन उसके बाद भी आप देख चुके हैं कॉल्स पे कॉल्स, एसएमएस पे एसएमएस. तो मैंने सोचा कि चलिए इसकी कंप्लेंट कैसे हो सकती है ट्राई में, उसका फाइंड आउट करते हैं. तो अगर हम जाते हैं टेलीकॉम कस्टमर्स में, यहाँ से अगर मुझे चाहिए तो मैं चेंज प्रेफरेंस भी कर सकता हूँ. अगर मुझे कोई कैटेगरी अलाउ करनी है तो उसके लिए स्टॉप लिख के उस कैटेगरी का नंबर 1909 पे भेज के मैं उस कैटेगरी को अलाउ कर सकता हूँ. और ये वेबसाइट है जिनको मैंडेटरी है डीएनसी कंप्लेंट लेने के लिए, जो कि मैं आगे बताऊंगा कैसे लेते हैं. लेकिन नॉर्मली एज अ कस्टमर हम ट्राई में कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं 1909 पे डायल करके या एसएमएस भेज के. एसएमएस का भी एक स्पेशल फॉर्मेट होता है जिसमें हमें मेंशन करना पड़ता है अगर कॉल आता है तो किस कैटेगरी का कॉल है, किस नंबर से आया, कौन सा डेट, कौन सा टाइम. सेम वे एसएमएस के लिए हमें एसएमएस की कैटेगरी, एसएमएस का पर्टिकुलर नंबर और कंटेंट, इसे 1909 पे मैसेज करना होता है, जो कि थोड़ा बहुत पेनफुल है. तो सोचा चलिए अगर सर्विस प्रोवाइडर हमें हेल्प कर सकते हैं, तो जहां मैंने मेरा नंबर रजिस्टर किया एयरटेल पे, तो अगर मैं जाता हूँ एयरटेल की डीएनडी कंप्लेंट पे, इन्होंने या तो मोस्टली हर एक वेबसाइट टेलीकॉम प्रोवाइडर वेबसाइट नंबर रखते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट इट्स इन अ बॉटम, ये रहा डू नॉट डिस्टर्ब लिस्ट, यहाँ क्लिक किया मोबाइल सर्विस एक्टिवेट पोस्टपेड कस्टमर कैन रजिस्टर बाय क्लिकिंग हियर प्रीपेड एंड पोस्टपेड, जो कि हम स्टार्ट मैसेज भी भेज के कर सकते हैं. और नॉर्मली कंप्लेंट रजिस्टर के लिए मुझे जो है मेरा डीएनटी रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, जो मुझे पाने के लिए माय स्पेस डीएनडी लिख के 1909 पे भेजना होगा, तो मुझे मेरा डीएनटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा. तो अब मोबाइल पे चलता हूँ 1909 स्टार्ट, यहाँ टाइप किया माय स्पेस डी एन डी, सेंड कर दिया 1909 पे. और मेरे को तुरंत ही ट्राई की तरफ से रिप्लाई आ गया, हैज बीन रजिस्टर्ड सिंस 2011 गुड, और रजिस्ट्रेशन नंबर. तो इसका इस्तेमाल करके हम कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे एयरटेल के पोर्टल से. तो हमारे पोर्टल पे हमें आपका हमारा नंबर डालना होगा, फिर उसके बाद जो डीएनडी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, जो कि कैश सेंसिटिव होता है तो फर्स्ट वर्ड कैप्स में, और उसके बाद
सबमिट। यहाँ पर हम कॉल फ्रॉम मोबाइल, मोबाइल नंबर डाल के, कॉल फ्रॉम लैंडलाइन अगर लैंडलाइन नंबर होता है, और किस तरीके का कंटेंट था। तो खैर एक अभी करंट एडवर्टाइजिंग एसएमएस की जो कंप्लेंट है वो मैं रजिस्टर करता हूँ, जो कि मुझे आया एसएमएस से। सो एएम हाइफन जो भी एसएमएस आया उसका नेम, खैर मुझे किसी और से आया था, वो पर्टिकुलर नंबर, रिसीवर नेम, फिर उसके बाद उसके कंटेंट। कभी कभी यहाँ पर इनके पोर्टल पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं करते, तो जो हमें एसएमएस कंटेंट आया है वो सेम की जगह कुछ काट छाट के ही सबमिट करना होता है। फिर उसके बाद कब एसएमएस आया था, वो डेट, मंथ, ईयर, उसके बाद टाइम, कितने बजे आया था, टेन, 11 AM, और सबमिट। इसको सबमिट करते ही हमारे पोर्टल में तो आ जाएगा रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, हमें इसकी अपडेट मिल जाएगी। 1909 से हमें एक एसएमएस आएगा और उसमें जो है इसका कंप्लेंट नंबर हमें मिल जाएगा, जो कि हम एनपीसी की वेबसाइट पे देख चुके हैं। अगर आपको किसी और सर्विस प्रोवाइडर के वेबसाइट पे कंप्लेंट करना होगा तो कैसे कर सकते हैं, इसके जानने के लिए मुझे बताइएगा नीचे कमेंट में। सेम वे हम अपने मोबाइल ऐप से भी कंप्लेंट सिंपली लॉग कर सकते हैं। अगर हम गूगल प्ले पे सर्च करेंगे DND 2.0, ये एप्लीकेशन ट्राई द्वारा बनाया गया है, हम देख सकते हैं। अगर हम क्लिक करते हैं ट्राई की तरफ से, ये सारे ऐप्स हैं जो कि ट्राई ने बनाए हैं कंज्यूमर के लिए। सो डू नॉट डिस्टर्ब में, इसकी रेटिंग तो देखे चौकी है मत, लेकिन ये बहुत ही अच्छा ऐप है, वेरी सिंपल एंड इजी टू यूज। अभी आपने देखा कि एयरटेल में हमें कितना समय लगा कोई भी एसएमएस कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए। नेटवर्क का तो खैर दोनों प्रोवाइडर, मुझे वाईफाई ही यूज करना पड़ता है, इवन कॉल्स को पूछो ही मत, इसके लिए कोई सर्विस नहीं है, कंप्लेंट लॉक कर करके थक गया। चलिए ये ऐप ओपन करते हैं। जैसे ही आप ये ऐप ओपन करते हैं तो ये कुछ परमिशंस मांगता है, जहां आपके मोबाइल से एसएमएस भेज सकता है, फोन कॉल्स, और आपके एड्रेस बुक को वो मैनेज करे। साइन इन के लिए ये पूछेगा, एक आपको ओटीपी आता है, तो नंबर मैं यूज कर रहा हूँ मेरा एयरटेल, फिर नाम, देख सकते हैं दोनों मेजर सर्विस प्रोवाइडर हैं, लेकिन नेटवर्क बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जाके ये ओटीपी आ गया है, और ये रिपोर्ट एसएमएस में क्लिक करके आपको जितने एसएमएस आए वो यहाँ आप देख सकते हैं। इवन प्रोबेबली स्पैम ये भी कंसीडरिंग आता है। खैर मेरा नंबर रजिस्टर हो गया सक्सेसफुली, तो हमें सेम अगर एसएमएस रिपोर्ट करना हो, यहाँ से मैं देख सकता हूँ मेरे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंप्लेंट, इतने सारे कंप्लेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर किए हों, और उनके आंसर्स तो आप देख ही चुके हैं, तो पता नहीं चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ एज अ कंज्यूमर। सो अब पीछे जाके, अब से अगर मुझे कोई भी एसएमएस आता है तो मुझे सिर्फ रिपोर्ट एसएमएस पे क्लिक करना है, उस पर्टिकुलर एसएमएस को सिलेक्ट करना है। ये रहा एक एसएमएस, फिर उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो कि है बिजनेस क्रिपर,
पर्सनल लोन, सो बैंकिंग इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्रोडक्ट स्प्रेड, फिर उसके बाद एसएमएस नंबर जो कि मेरा एयरटेल है, मैसेज सेंड सक्सेसफुली, पूरा का पूरा फॉर्मेट ये ऐप डिजाइन करके भेज देगा और कंप्लेंट हमारी रजिस्टर हो जाएगी। ये इस तरीके से हमें जो है 1909 से आ जाता है, जहाँ पर हमें अपना रेफरेंस नंबर मिलता है, और यहाँ से अगर हमें चाहिए तो इसी ऐप में रजिस्ट्रेशन हमारे स्टेटस चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने सारी कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है, या मैं डी रजिस्टर कर सकता हूँ या किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए अलाउ भी कर सकता हूँ, जो कि मैंने किया नहीं है। तो भी कंप्लेंट आप देख सकते हैं कितनी सारी रजिस्टर है, पता नहीं एक्चुअल डीएनडी मुझे कब मिलेगा या हमें कब मिलेगा। यहाँ से अगर चाहिए तो कॉल या वॉइस कॉल भी जो है कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। ये एफएक्यू पेज है, होपफुली मेरा ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने रजिस्टर किया है डीएनडी या डीएनसी सर्विसेज को, तो इस तरीके से आप अपने आने वाले एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग कॉल या एसएमएस को ट्राई तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू।